दोस्तों पिक्चर देखने गया था डॉक्टर स्ट्रेंजर हॉलीवुड वाला, 3D का टिकट लिए थे, चश्मा उड़ा दिया 3D वाला है। गाइज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है कि कभी ना कभी आपने मूवी थिएटर से इस तरह के 3D ग्लासेस जरूर चुराए होंगे एंड आपने सोचा होगा कि अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल अपने टीवी के साथ इसको यूज़ करूंगा। बट आप जब यहाँ पर अपने मोबाइल के साथ टीवी के साथ कंप्यूटर के साथ या फिर लैपटॉप के साथ इसको यूज़ कर रहे होंगे तो आप सोचोगे कि यार ये 3D काम क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 3D ग्लासेस जो है आपके लैपटॉप टीवी कंप्यूटर के साथ काम क्यों नहीं करते हैं एंड अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो अपने 3D मतलब अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में टीवी में या फिर स्मार्टफोन में 3D वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो अगर आप घर बैठे 3D वीडियोस का मजा लेना चाहते हो ग्लासेस की मदद से तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से 3D काम करता है वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली स्क्रीन में जो है आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाई जाती है जिसके कारण से हमारी आंखें जो वो कंफ्यूज हो जाती है और हमें लगने लगता है कि सामने चल रहा है वो 3D चल रहा है। जब हम इस चश्मे को पहन लेते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि स्क्रीन के बाहर से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जैसे कोई तितलियाँ नजर आ रही हैं या फिर कोई गोली मार रहा है तो स्क्रीन के बाहर चला आ रहा है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई जाती है एंड इस चश्मे की मदद से वो चीज़ हमें रियल लगने लगती है। तो ये होता है 3D के पीछे का साइंस। बट अगर आप यहाँ पे चश्मे को निकाल दोगे उसके बाद जो 3D वाला वीडियो देख रहा मतलब चल रहा है स्क्रीन पे उसको देखोगे ना तो आप उसको ठीक से देख भी नहीं पाओगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ब्लरी होता है। यहाँ पे 2-3 इमेजेस एक साथ दिखाई जाती है, दैट्स वाई आप जो है यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा देर तक देख भी नहीं पाओगे बिना चश्मों के। गाइज यहाँ पे 3D ग्लासेस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव 3D ग्लास और एक होता है पैसिव 3D ग्लास। जो यहाँ पे एक्टिव 3D ग्लास होता है ना उस ग्लास में आपको यहाँ पे सेल लगानी होती है, उसमें बैटरी लगानी होती है बिकॉज उसके अंदर एक शटर होता है जो कि यहाँ पे बैटरी की मदद से काम करता है और वो इतनी जल्दी यहाँ पे अप डाउन होता है कि हमें लगने लगता है कि सामने जो यहाँ पे चीज दिखाई जा रही है, जो यहाँ पे पिक्चर दिखाया जा रहा है, जो यहाँ पे वीडियो दिखाया जा रहा है वो 3D है एंड उसमें जो है कॉन्स्टेंटली पावर देना पड़ेगा, दैट्स वाई बैटरी लगेगी एंड वो थोड़े से महंगे भी होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल आपके पैसिव 3D ग्लासेस। अब यहाँ पे जो है वो पैसिव 3D ग्लासेस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलरॉइड 3D ग्लासेस जो आपको यहाँ पे मूवी थिएटर्स में मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो है वो पोलरॉइड 3D ग्लास है जो आपको मूवी थिएटर्स वगैरह में मिलता है मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, मार्वल की मूवीज़ एंड बहुत सारी मूवीज़ आप देखते होंगे जो कि 3D में यहाँ पे रिलीज होती है, वो वाली मूवीज़ आप इस वाले चश्मे से देखते हो। बट अगर आपको घर में देखना है, अपने मोबाइल में देखना है, अपने टीवी में देखना है, अपने स्मार्टफोन में देखना है, अपने कंप्यूटर में देखना है या फिर अपने लैपटॉप में देखना है तो उसके लिए अलग ग्लासेस आते हैं जिसको बोलते हैं यहाँ पे रेड सियान ग्लासेस। ठीक है, अब इन चश्मों को पहन के आप जो है घर में ही आप 3D मूवीज एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो ग्लास होता है वो ब्लू होता है, एक होता है रेड होता है। अब सामने जो यहाँ पे पिक्चर चल रहा होता है ना वो जब हम इस चश्मे को पहन के देखते हैं तो हमारी आंखें कन्फ्यूज हो जाती हैं बिकॉज एक रेड है एंड ब्लू है, तो कन्फ्यूजन के कारण हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे जो वो 3D लगने लगती है, ऐसा लगने लगता है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे स्क्रीन से बाहर आ रही है। ठीक है, इस चीज़ को आप खुद ही यहाँ पे जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आपके पास इस तरह के चश्मे हैं तो एंड ये काफ़ी सस्ते आते हैं मैं आपको बता दूं तो। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना तो चलिए मैं आपको लाइव डेमो देखे दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि YouTube पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है 3D वीडियोज़ जिनको कि आप 3D ग्लासेस की मदद से देख सकते हो एंड आपको बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा लगेगा कि स्क्रीन के अंदर से कोई चीज़ यहाँ पे बाहर के निकल कर आ रही है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो चलिए आपको स्क्रीन की तरफ एंड मैं दिखाता हूँ कैसे जो है ये वर्क करता है। ये एक मैंने वीडियो ओपन करा हुआ है YouTube में जो कि एक 3D वीडियो है, अभी मैं इसको नॉर्मल अगर पोलराइड ग्लासेस से वॉच करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, जिस तरह से यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा है उसी तरह से यहाँ पे इन ग्लासेस में भी दिख रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे इसके जगह पे यूज करता हूँ इन यहाँ पे रेड सियान ग्लासेस का तब आप डिफरेंस देख सकते हो। ऐसे वीडियो में आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा जब तक आप इन ग्लासेस को खुद नहीं पहनोगे और खुद यहाँ पे आप देखोगे नहीं वीडियो को तब तक आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। बट इसको एक बार लगा लो अगर वीडियोस को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि सच में स्क्रीन से कुछ यहाँ पे चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं और एक काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बट इन ग्लासेस का एक डाउनसाइड भी है कि यहाँ पे जो कलर क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती है, ओवरऑल जो आपको एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो खराब आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना आपको बेटर क्वालिटी नहीं मिलता है। तो देखो YouTube पे 3D वीडियोस तो आपने देख लिए, बट अगर आप सोच रहे हो कि इन 3D ग्लासेस की मदद से आपको यहाँ पर मूवीज़ देखनी है बट आपको मूवीज़ कहाँ से मिलेगी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इतने समझदार तो हो कि आप मूवीज़ ढूंढ सकते हो। अब कहाँ से ढूंढना है क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप जो है वो 3D वीडियोज़ यानी कि 3D मूवीज़ वगैरह आप यहाँ पर इन ग्लासेस की मदद से देख सकते हो। ठीक है, एंड आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा परचेज़ करने का तो आप जाके यहाँ परचेज़ कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।